हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। और ये जो छः सम है ये लिटिल बिट डिफरेंट है और थोड़े हार्ड सम है, जो स्टूडेंट्स को थोड़ा कन्फ्यूजन जनरेट करे वैसा है, तो इसलिए मैंने इसका अलग से सेशन बनाया हुआ है। तो प्लीज़ ये एग्जाम्पल्स एक बार आप देख लेना। और ये जो हम सारे सम हैं बराबर, वो करवाने से पहले हमको एक छोटा सा बेस मैं आपको करवा रहा हूँ ये सम के लिए, जो थोड़ा होना ज़रूरी है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं क्या आना ज़रूरी है। पहले ये बता दो आपको कि अगर हम रूट टू इंटू रूट टू करेंगे तो क्या होगा, पहले वो बता दो। रूट टू इंटू रूट टू करोगे तो टू होगा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री करोगे तो हमको मिलेगा थ्री। अब आप बोलोगे कैसे, तो सिंपल सी बात है, टू टाइम रूट टू होगा तो टू मिलता है, टू टाइम रूट थ्री होगा तो थ्री मिलता है। अब आप बोलोगे कि सर थ्री टाइम रूट टू हो तो वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम तो क्या होगा, थ्री टाइम रूट टू है तो क्या होगा, देखो ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, टू बनाएगा। टू टाइम होता है तो वन टाइम टू लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर यहाँ पे सिंगल टाइम रूट टू है तो यहाँ पे होगा सिंगल टाइम। ओके, तो मीन्स ये टू टाइम है इसलिए टू लिख दिया, और ये सिंगल टाइम है इसलिए मैंने सिंगल टाइम लिखा। सपोज मैं यही बोलूँ कि रूट टू अगर फोर टाइम हो तो क्या होगा, तो रूट टू अगर फोर टाइम होगा तो ऐसा हो जाएगा, देख लेते हैं, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं टू। ओके, फिर ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं टू, तो ये टू टाइम टू मिल जाएगा, तो मीन्स फोर टाइम रूट टू हो गए तो टू टाइम टू हो जाएगा, और टू टू जा फोर। ओके, तो फोर टाइम रूट टू मिलता है तो हमको आंसर मिला फोर। सेम थिंग अगर मैं ऐसा बोलूँ रूट थ्री थ्री टाइम तो क्या होगा, तो रूट थ्री थ्री टाइम क्या होगा, तो देख लो आप पहले, टू टाइम तो आपको मालूम है टू टाइम रूट थ्री होगा तो थ्री हो जाता है, पर थ्री टाइम होता है तो क्या होता है थ्री रूट थ्री। ओके, अगर वही बात मैं बोलूँ कि फोर टाइम रूट थ्री होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो टू टाइम मल्टी मीन्स टू टाइम जब होता है तो थ्री हो जाता है, और दूसरा टू टाइम होता है तो थ्री हो जाता है। ओके, तो ये थ्री थ्री जा नाइन। ओके, अगर फाइव टाइम हो तो सिंपल सी बात है, सेम प्रोसीजर है, कोई चेंज नहीं है। ये आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम होता है, इस वजह से। टू टाइम है तो वन टाइम थ्री रखने का, दूसरा टू टाइम है तो दूसरे टाइम थ्री रखने का, और ये सिंगल टाइम है तो इसका कुछ नहीं करने का, उसको ऐसे ही रख देने का। अब क्या करना है, थ्री थ्री जा नाइन और रूट थ्री का रूट थ्री, तो रूट थ्री के साथ आप कुछ नहीं करोगे सिंगल टाइम होता है तो। ओके, ये तो हमने बेसिक बात की कि सर टू टाइम रूट होता है तो फुल हो जाता है, वैसे आपको समझना है। अब हम ये समझ रहे हैं कि सर अगर मैं ऐसा बोलूँ टू है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, टू होता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू। टू मीन्स टू कैसे बनता है, तो टू बनता है टू टाइम रूट टू मल्टीप्लाई करके। तो अगर मैं टू बोलूँ तो कितना हो जाएगा, टू टाइम हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि फोर तो कितनी बार रूट टू होगा, चलो देखते हैं। तो अगर मैं बोलूँ फोर तो कितना टाइम रूट टू होगा, तो मीन्स ऐसा कर सकते हैं हम, फोर मीन्स क्या होगा टू इंटू टू। अब टू का मीनिंग क्या होता है, रूट टू टू टाइम, तो ये टू था उसकी जगह टू टाइम लिख दिया रूट टू, और ये अभी बाकी है तो इसका भी लिख देते हैं, इसका कितना होगा टू टाइम होगा। ओके, तो ये सिंपल आपको समझने के लिए है, अगर फोर हम बोलेंगे तो फोर टाइम रूट टू भी बोल सकते हैं। ओके, अच्छा अब अगर हम ऐसा बोले कि सर अगर ऐसा सिचुएशन हो कि रूट टू रूट टू रूट थ्री एंड रूट थ्री तो कितना होगा, तो देख लेते हैं। चलो टू टाइम रूट टू है तो टू हो जाएगा, और टू टाइम रूट थ्री है तो थ्री हो जाएगा, तो क्या होगा टू थ्री जा सिक्स। ओके, तो आपको ये याद रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि भाई ये थ्री रूट टू है उसको रूट टू से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, तो आपको करना क्या है, अगेन वही प्रोसीजर, थ्री तो सिंगल पड़ा है तो उसको थ्री को ऐसे ही रहने देते हैं, और रूट टू कितनी बार हुआ यहाँ पे, टू टाइम हुआ, तो टू टाइम का मीनिंग क्या होगा टू हो जाएगा, तो थ्री तो एज इट इज़ पड़ा रहा और टू टाइम रूट टू होता है तो टू हो जाता है, तो थ्री टू कितना हो जाता है सिक्स हो जाता है। ओके, सेम वैसे ही मैं अगर बोलूँगा सिक्स रूट थ्री है इंटू टू रूट थ्री है तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखो इसमें क्या होता है, ये इसको अलग से ही हमको काउंट करना है, तो सिक्स और टू दो अलग है, और उसके अलावा टू टाइम रूट थ्री है, तो सिक्स टू जा कितना हो जाएगा ट्वेल्व। अब टू टाइम रूट थ्री है तो क्या हो जाएगा थ्री। ओके, और ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा थर्टी सिक्स होगा।
तो ये आपको प्रैक्टिस, और दूसरा आपको ये याद रखना है क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या ये अभी याद रखते हैं उसके बाद भूल जाते हैं। ओके, तो सपोज टू रूट टू है इंटू टू रूट टू, चलो टू टाइम टू रूट टू है तो क्या हो जाएगा, मतलब मुझे बताओ। तो आप इजीली पोज करके बोल सकते हो इसका आंसर। तो देखो टू टू जा तो कितना हो जाएगा फोर, इंटू ये टू टाइम रूट टू है तो कितना हो जाएगा टू, और फोर टू जा एट। ओके, अब अभी दूसरी तरह से करते हैं कि भाई थ्री रूट फाइव इंटू टू रूट फाइव, चलो कितना होगा थ्री रूट फाइव इंटू टू रूट फाइव। तो सिंपल सी बात है, थ्री टू जा सिक्स, और टू टाइम रूट फाइव है तो क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा, और सिक्स फाइव जा थर्टी। ओके, तो आपको ऐसे करना है। अब आप बोलोगे कि सर अगर मुझे ऐसा करना हो तो टू रूट टू इंटू टू रूट थ्री, अब ये मल्टीप्लाई करना हो तो मुझे क्या करना है। देखो मुझे मालूम है आपके दिमाग में ये आने ही वाला है कि सर अब अभी तक जितने भी मल्टीप्लाई किए सब रूट टू वाले, रूट फाइव वाले, रूट थ्री वाले किए, पर अगर ऐसा आ जाए तो क्या करने का। देखो यहाँ पे ऐसे ये स्प्लिटिंग के अंदर ऐसा आने का चांसेस कम रहता है। ओके, पर हम फिर भी हम इसको देखना हो तो ऐसे देख सकते हैं टू टू जा फोर, और यहाँ पे रूट का एक रूल होता है कि जब रूट टू एंड रूट थ्री जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसका हो जाता है रूट सिक्स। क्या हो जाता है रूट सिक्स, कैसे थ्री टू जा सिक्स। तो मीन्स ये आपका थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंट है, तो आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं एक दो समझा देता हूँ आपको कि सपोज फाइव रूट थ्री एंड टू रूट टू तो क्या होगा। तो देखते हैं फाइव टू जा टेन, और रूट थ्री और रूट टू, तो थ्री टू जा सिक्स मीन्स रूट सिक्स, टेन इंटू रूट सिक्स कितना होता है टेन रूट सिक्स। अगर मैं ऐसा बोलूँ टू रूट फाइव इंटू थ्री रूट टू तो कितना होगा, चलो तो थ्री टू जा सिक्स एंड रूट फाइव एंड रूट टू है तो क्या हो जाएगा फाइव टू जा टेन तो रूट टेन। ओके, तो सिक्स रूट टेन, तो आप ऐसे समझ सकते हो तो ये कैसे होता है। ओके, तो अभी हम हमारे मेन टॉपिक पे जा रहे हैं, ये बेसिक आपको समझा दिया कि भाई रूट का कंसेप्ट कैसे काम करता है। अब मैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाले आपको जो एग्जांपल्स हैं वो आपको समझा रहा हूँ, तो आपको वो ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे क्या है कि तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग में आपको मैंने आपको ये पहले भी मेरा पार्ट नंबर फाइव है वो आप देख लेना। तो देख लेते हैं, ये फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है वन है, लास्ट टर्म क्या है हमारा सिक्स है, तो सिक्स वन जा सिक्स। ओके, अब क्या करना है कि थ्री रूट थ्री आना चाहिए और सिक्स वन जा सिक्स ऐसे कोई टेबल में आता हो तो वो हमको देखने का है। तो आप कैसे करोगे, आप समझो कि हमको सिक्स लाना है, तो हम यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी जगह सेट करके कर रहा हूँ। सपोज मुझे चाहिए सिक्स। ओके, तो कैसे कर सकते हैं कि सर ऐसा हो सकता है कि थ्री टू जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स ऐसा हो सकता है, पर इसके अंदर कैसे यूज़ किया जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, देखो यहाँ पे क्या किया कि रूट थ्री के मैंने टू पार्ट डिवाइड कर दिए, रूट थ्री एंड रूट थ्री, तो क्या टू रूट थ्री इंटू थ्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वन टाइम टू टाइम रूट थ्री और वन टाइम रूट थ्री, मीन्स ये दोनों का जब एडिशन होगा तो थ्री रूट थ्री हो जाता है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस टू रूट थ्री एक्स प्लस रूट थ्री एक्स प्लस सिक्स। ओके, तो एडिशन में क्या होता है, वो जो मैंने सिखाया था अभी इसके पहले बेस करवाया तो वो क्या था मल्टीप्लीकेशन था, ये क्या है एडिशन है। तो एडिशन में क्या होता है टू रूट थ्री प्लस रूट थ्री तो कितना हो जाता है थ्री रूट थ्री हो जाता है। ओके, तो ये दोनों का टोटल मिला के थ्री रूट थ्री हो रहा है। यस राइट है, मीन्स इज कमिंग। हम यहाँ पे से एक्स कॉमन निकालेंगे, तो एक्स कॉमन निकाला क्या बचा हमारा एक्स प्लस टू रूट थ्री प्लस यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे रूट थ्री, तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स प्लस टू रूट थ्री। अब आप बोलोगे कि सर ये दोनों में से तो हमको समझ में आया एक्स कॉमन निकाला, पर सर ये दोनों में से कॉमन कैसे निकाला रूट थ्री, तो वो पहले भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे जगह नहीं तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ कि रूट थ्री है। ओके, और ये सिक्स है, इसमें से रूट थ्री कॉमन निकला। आप बोलोगे कैसे, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो कि यहाँ पे ये रूट थ्री तो एक सिंगल है, पर सिक्स का मीनिंग क्या होता है टू थ्री जा, पर थ्री का मीनिंग क्या होता है टू टाइम रूट थ्री। ओके, सिक्स का मीनिंग क्या होता है, ये थ्री हो जाएगा तो मीन्स थ्री, और ये थ्री टू जा सिक्स, तो सिक्स का मीनिंग ये होगा टू इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो मीन्स सिक्स के अंदर दो रूट थ्री हैं, कितने रूट थ्री हैं दो, और यहाँ पे क्या है सिंगल, तो हमको एक कॉमन निकालना है, तो हम इसको एक कॉमन निकाल दिया, तो इसमें से और इसमें से मैंने रूट थ्री कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ से जो था वो तो यहाँ पे रख दिया, पर सिक्स में से अगर रूट थ्री जाएगा
ये इसमें से कोई एक रूट थ्री जाएगा तो ये मैंने निकाल दिया, तो उसके बाद क्या बचेगा, टू रूट थ्री बचेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टू रूट थ्री लिख दिया। अब यहाँ पे ये दोनों कॉमन है, इसको कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या होगा एक्स प्लस टू रूट थ्री एंड एक्स प्लस रूट थ्री। आई थिंक सो ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो ये सम करते हैं। ये सम के अंदर क्या है हम देख लेते हैं कि फोर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू रूट थ्री, तो इसका कोफिशियंट क्या है फोर रूट थ्री, और इसका कोफिशियंट इसका ये कांस्टेंट नंबर क्या है टू रूट थ्री। अब ये और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलो देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, फोर रूट थ्री इंटू टू रूट थ्री, चलो मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखाया था, आप तो इसको पोस्ट करके इसका आंसर दे सकते हैं आंसर। तो फोर टू जा एट, ओके, और टू टाइम रूट थ्री मीन्स थ्री, और एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, ओके okay? तो हमारा टोटल कितना मिला 24, तो फर्स्ट टर्म का एंड लास्ट टर्म का टोटल मल्टीप्लीकेशन मिला 24। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 5x लाना है, तो हमको क्या 8 थ्रीजा से ही कर देंगे, 8 थ्रीजा से हमको मिल जाएगा इजीली, तो हम देख रहे हैं देखो, तो करते हैं फोर रूट थ्री एक्स स्क्वायर एट थ्रीजा एट एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू रूट थ्री, ओके, तो मीन्स 8 प्लस और ये माइनस आएगा, सॉरी ये माइनस आएगा, ओके okay? तो क्या होगा, एट में से तीन जाएंगे तो फाइव बचेगा। अब क्या होगा, अब ये दोनों में से कॉमन निकालना है और ये दोनों में से कॉमन निकालना है। चलो ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा पहले वो देख लेते हैं। तो ये दोनों में से हमको निकलेगा कॉमन फोर निकलेगा, और कुछ दिखता नहीं है मुझे, फोर एक्स, तो फोर एक्स कॉमन निकल गया, क्या बचा रूट थ्री एक्स प्लस टू, ओके, तो यहाँ से हमने देखो फोर रूट थ्री में से मैंने फोर कॉमन निकाला, तो पड़ा क्या रहा रूट थ्री, और एट में से फोर निकालेंगे तो टू पड़ा रहेगा क्योंकि फोर टू जा एट होता है, यहाँ पे माइनस का माइनस। अब ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, रूट थ्री निकलेगा। आप बोलोगे कि सर थ्री एंड टू रूट थ्री में से रूट थ्री कैसे कॉमन निकलेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो थ्री एंड टू रूट थ्री ऐसा है, तो थ्री मीन्स क्या होता है टू टाइम रूट थ्री होता है, ओके, और यहाँ पे क्या है टू इंटू रूट थ्री है, तो ये तो हमारा कॉमन है, ओके, तो रूट थ्री निकल जाएगा, और रूट थ्री निकल जाएगा तो क्या बचेगा वो भी हमको मालूम होना चाहिए, एक यहाँ पे रूट थ्री बचेगा और यहाँ पे टू बचेगा, तो यहाँ पे मैंने रूट थ्री कॉमन निकाल दिया, और क्या बचा हमको रूट थ्री एक्स प्लस टू, ओके, तब इसके जैसा हो गया, यस हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं, रूट थ्री एक्स प्लस टू एंड फोर एक्स माइनस रूट थ्री, तो ये हमारा आंसर है। ये देख लेते हैं, अब हम फटाफट करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा नहीं हो जाए इस वजह से, ओके, ओ माय गॉड 14 मिनट का तो वीडियो हो गया अभी। आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 30 है, तो 30 है तो इसका फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म क्या है 30 है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा वो आपको देख ले, ये लिटिल बिट डिफरेंट है और ये आपको समझ में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव रूट टू एक्स प्लस थ्री रूट टू एक्स माइनस 30। अब मैंने क्या किया मैं आपको बता दूँ, देखो ये फाइव थ्री ज़ा 15 और रूट टू क्या होता है टू होता है, तो मीन्स फाइव थ्री जा 15 और ये 2, तो 15 टू जा 30, तो मैंने ऐसे स्प्लिट किया कि माइनस फाइव रूट टू एंड थ्री रूट टू, तो इसके जितना हो जाता है, और ये दोनों को मिला के हमको ये मिलना चाहिए, तो माइनस प्लस माइनस, और ये दोनों को माइनस करने के बाद माइनस टू रूट टू मिला। अब ये दोनों में से कॉमन निकालना है, ये दोनों में से कॉमन निकालना है, ये दोनों में से एक्स कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा एक्स माइनस फाइव रूट टू, यहाँ पे भी सेम रहेगा, थ्री रूट टू कॉमन निकलेगा, क्या मिलेगा एक्स माइनस फाइव रूट टू, ओके, क्या बचा अब यहाँ पे एक्स माइनस फाइव रूट टू और एक्स माइनस फाइव रूट टू एंड एक्स प्लस थ्री रूट टू, ओके, ये थ्री सेम हो गए। अब ये दूसरे तीन है, अब ये लंबा सही में बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं सोच रहा हूँ इसको कट करके सिर्फ तीन ही कर रहा हूँ, पर पॉसिबल देखते हैं। चलो ये लास्ट सम कर लेते हैं, रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स प्लस सिक्स रूट थ्री। अब यहाँ पे क्या है कि रूट थ्री एंड सिक्स रूट थ्री कितना होगा, देखो टू टाइम रूट थ्री मीन्स थ्री हो जाएगा, और सिक्स है तो सिक्स थ्री ज़ा 18, तो हमारा क्या मिलेगा यहाँ पे 18 मिलेगा, तो 18 का हम कितने से पार्ट करेंगे, नाइन टू ज़ा हो जाएगा, तो रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स रूट थ्री, ओके डन, और ये दोनों में से कॉमन निकालो, ये दोनों में से कॉमन निकालो, तो आपको मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, ओके, तो चलो फटाफट मैं कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम कम होने की वजह से। यहाँ पे रूट थ्री और रूट थ्री है, तो ये आप कॉमन यहाँ से आप निकाल देना और सॉल्व कर देना, यह रूट थ्री है, यहाँ पे रूट थ्री, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री का थ्री होता है, तो मिडल टर्म ऐसा आना चाहिए एडिशन के फोर हो, पर उसका मल्टीप्लीकेशन थ्री होना चाहिए, तो क्या होगा देख लेते हैं, रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वन जा थ्री, थ्री एक्स प्लस रूट थ्री,
ये दोनों में से कॉमन निकालना है, ये दोनों में से कॉमन आपको मिल जाएगा, ये दोनों में से रूट थ्री कॉमन निकलेगा, रूट थ्री एक्स, और क्या बचा, एक्स प्लस रूट थ्री, यहाँ पे वन कॉमन, एक्स प्लस रूट थ्री, तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस रूट थ्री और रूट थ्री एक्स प्लस वन। ओके, अब ये वाला है लिटिल बिट, सिक्स फोर जा मीन्स 24 होता है। अब 24 होता है तो कौन से टेबल में आता है वो भी हमको देखना है। तो देखो, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर रूट टू एक्स प्लस थ्री रूट टू एक्स प्लस फोर। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये कैसे रखा, तो देखो आपको बता रहा हूँ, फोर रूट टू इंटू थ्री रूट टू, देखो फोर थ्री जा ट्वेल्व और रूट टू, रूट टू टू होता है, तो ट्वेल्व टू जा 24, तो सिक्स फोर जा 24 था। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सेवन रूट टू आना चाहिए था, तो हमने क्या किया, फोर और थ्री कितना हो जाएगा, सेवन हो जाएगा, तो हमको सेटिस्फाई हो रहा है। अब ये दोनों में से कॉमन निकालो, ये दोनों में से कॉमन निकालो, तो यहाँ पे ऐसा होगा कि टू एक्स कॉमन निकाल रहे हैं, क्या बचेगा, थ्री एक्स प्लस टू रूट टू एक्स, फिर प्लस रूट टू, थ्री एक्स प्लस टू रूट टू। ओके, अब ये दोनों में से ये दोनों कॉमन निकाल देंगे, थ्री एक्स प्लस टू रूट टू एक्स और 2x प्लस रूट टू। तो आपको ये, आपको मैंने छः छः सम यहाँ पे करवाए हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा ये, और ये वीडियो मैं फास्ट फॉरवर्ड में करवा दूंगा, इसलिए आपको ये वीडियो बहुत आधा आधे टाइम में सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।